हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडवांस एक्सेल में आज हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है, देखिए हमारे पास एक टेबल दिया गया है और हमें इंडेक्स फंक्शन इस पे अप्लाई करना है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। तो वी लुकअप फंक्शन हम कर चुके हैं, उसके अंदर हमने मैच फंक्शन अप्लाई किया था जिसे वी लुकअप फंक्शन और मैच फंक्शन के बारे में नहीं पता है वो मेरा वी लुकअप विद मैच फंक्शन का वीडियो मैंने बना रखा है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम इंडेक्स फंक्शन का बेसिक्स देखते हैं कि इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। तो देखिए इंडेक्स फंक्शन सबसे पहले रो एरे जैसे हमने ये पास कर दिया इसके अंदर जो फर्स्ट वाला इंडेक्स एरे, उसके बाद ये पूछता है रो नंबर, तो रो नंबर हमने इसमें डाल दिया 2। फिर पूछता है कॉलम नंबर इसमें हमने डाल दिया 4। तो अब ये रो नंबर 2, कॉलम नंबर 4 और A3 से F9 में रो नंबर 2, कॉलम नंबर 4 का डेटा ये हमें देगा। तो रो नंबर 2 कौन सी होगी, रो नंबर 1 हमारी आईडी है, रो नंबर 2 हमारा क्या है 111, और इसमें कॉलम नंबर 4 कौन सा है, आईडी कॉलम नंबर 1 है, फर्स्ट नेम 2, लास्ट नेम 3 एंड कंपनी नेम 4। तो यहाँ पर आना चाहिए ब्रांडेड जोनाथन FS। तो देखिए वही आया। ये बेसिक्स है इंडेक्स का। तो इंडेक्स के अंदर हम एरे पास करते हैं या फिर रेफरेंस पास करते हैं। सेकंड आर्गुमेंट इसमें हमारा रो नंबर, थर्ड आर्गुमेंट हमारा कॉलम नंबर। अब ये जो हमने यहाँ पर डाला रो और कॉलम, ये फिक्स किया हुआ है 2 और 4। हम इसे डायनेमिक बनाना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक चेंज कैसे होगा। तो हम 2 की जगह पर मैच फंक्शन लगा सकते हैं और 4 की जगह पर भी हम क्या कर सकते हैं, मैच फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि मैच फंक्शन रो नंबर भी निकालता है और कॉलम नंबर भी निकालता है। तो देखिए हम नेक्स्ट शीट पे लगाते हैं इसका जो डेटा है वो हम यहाँ से निकालेंगे। कॉपी किया इसे, न्यू शीट पे आए, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ हमें डेटा निकालना है। तो कौन कौन सी आईडीज़ का निकालना है, कुछ आईडीज़ यहाँ से हम ले लेते हैं, इनका डेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स और एरे। एरे के लिए क्या करेंगे, सीट नंबर 1 पे जाएंगे और जो भी टेबल है एंटायर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार के अंदर इंडेक्स सीट 1 A3F9, मतलब A3F9 जो है वो सीट 1 का रेंज है। तो हम इसे फ्रीज कर देंगे क्योंकि टेबल सबके लिए हमारे पास क्या होगा, कॉमन होगा। तो F4 से हम डॉलर लगा देंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस में इसे चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे A से पहले डॉलर अप्लाई हो गया है, 3 से पहले भी डॉलर, F से पहले भी डॉलर और 9 से पहले भी डॉलर। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है रो और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है कॉलम। तो रो भी हम मैच फंक्शन से निकालेंगे और कॉलम भी हम मैच फंक्शन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम सीट नंबर 2 पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीट नंबर 2 का पाथ एड्रेस आ गया है, तो हम ये वाला रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं मैच फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन बनेगा ये, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है हमारी 222। अब ये जो 222 है तो 222 फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 222 क्या कहाँ पर है, ए वाले कॉलम में है। तो हम कॉलम जो है उसे फ्रीज कर देंगे डॉलर लगा के, रो को नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के लिए हम सीट नंबर 1 पे आएंगे और सीट नंबर 1 पे इस यहाँ से यहाँ तक का जो आईडीज है, क्योंकि इसी आईडी में ये उस आईडी को सर्च करेगा, तो आईडी सबके लिए सेम रहेगी। तो हम इसको भी क्या करेंगे, F4 से डॉलर लगा देंगे, $A, $3, $A, $9। उसके बाद कोमा, क्योंकि मैच फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, लुकअप वैल्यू हमने डाल दिया, लुकअप एरे हमने डाल दिया और एग्जैक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं 0। तो ये फंक्शन हमारा हो गया किस चीज़ के लिए,
रो नंबर निकालने के लिए। तो कॉलम के लिए भी हम सेम वही करेंगे, सीट नंबर टू पे जाते हैं वापस। तो यहाँ पर हम कॉलम निकालने के लिए भी कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, मैच फंक्शन। मैच कॉलम नंबर भी निकाल के देता है हमें, रो नंबर भी निकाल के देता है। तो यहाँ पर मैच लगाया, मैच अब की बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम इसमें डालेंगे। और फर्स्ट नेम में क्या होगा, फर्स्ट नेम 333 के लिए भी फर्स्ट नेम होगा, 444 के लिए भी फर्स्ट नेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, को रो नंबर सेम रहेगा, तो रो पे हम क्या करेंगे, डॉलर लगा देंगे, देन कोमा, और उसके बाद सीट वन पे जाएंगे और इसमें इस टॉप जो रो है इसका रेंज पास कर देंगे। और ये जो टॉप रो है ये सबके लिए सेम रहेगी, इसलिए हम इसे F4 से क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज किया। ये मैच का है और ये हमारा इंडेक्स का है। और एंटर की हिट करेंगे तो देखिए 222 पे स्टीव होगा, वो आ गया होगा, 222 पे स्टीव है। अब हम इसे ड्रैग करेंगे तो यूनिवर्सल फंक्शन है, सभी को निकाल के देगा। देखिए सबका डेटा इसने निकाल कर दे दिया है। तो देखिए हमारा जो डेटा था वो आ गया। अब ये है कि अगर मुझे एड्रेस की पोजीशन, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर चाहिए, एड्रेस मुझे इधर चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐसे करें, कॉपी किया इसे मैंने, यहाँ पेस्ट कर दिया, तो देखिए एड्रेस इधर आ गए हैं अब। और नेम्स इधर चाहिए, तो नेम का हेडिंग क्या है, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देते हैं एड्रेस की जगह पे। तो देखिए फर्स्ट नेम इधर आ गए। तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है। तो इस तरह से हम इंडेक्स का यूज करके डायनेमिक डेटा को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे हम रो नंबर चेंज करें, चाहे हम कॉलम का सीक्वेंस चेंज करें, हमारा जो है वो आउटपुट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो ये वी लुकअप से भी काफी पावरफुल है। तो ये था हमारा इंडेक्स फंक्शन, जिसके अंदर मैच फंक्शन का भी यूज़ किया रो और कॉलम निकालने के लिए। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़।